चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण के पास चार भाई पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज के अलावा बाकी चारों थे। तो चारों ने पूछा, प्रभु आने वाले कुछ समय बाद कलयुग का आगमन होगा, क्योंकि द्वापर अब खत्म, आपकी लीला पूरी हो रही, आने वाले कलयुग में लोग कैसे होंगे, उसका रहन सहन चाल चलन खान पान आचार विचार कैसा होगा। भगवान ने चार तीर अर्जुन के धनुष पे चढ़ा करके चारों दिशा में चला दिया। चारों भाई को बोला कि आप लोग उस तीर को ले आइए और मैं बताऊंगा कि कलयुग में क्या होने वाला है। चारों चारों तरफ चले गए। भीम जहाँ तीर लाने गए तो वहाँ क्या देखा, एक कोयल बड़ी मीठी भाषा बोल रही है लेकिन जितने चूहा को खा रहे। भीम को अचंभित हुआ, भीम कि बोलने के लिए भी इतना बढ़िया कुहू को मार रही है कि सुनने में मन मुग्ध हो जाए, पर हृदय इतना कठोर कि जीते चूहा को कोई रहम नहीं। तो मधुर वचन बोले, जिमी मोरा खाय माँ आई हृदय कठोर, ऐसा कैसे हो सकता है, कथनी कुछ करनी कुछ। भीम बड़े अचंभित होकर के लौटे। उधर अर्जुन गए बाण लाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक गौ है जो बछड़े को जन्म देती है, अजी से चाटती है प्यार दुलार से, गंदगी साफ कर रहे। तो अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा, परंतु कुछ देर में क्या देखा कि गौ वो बछड़े को चाटते चाटते खत्म कर देती है, मार देती है, मर गई गया बछड़ा। अर्जुन को लगा गौ को लोग माता बोलते हैं, ये कैसी माता है जो अपने बच्चे को मार दी। वो भी लौट आए। उधर नकुल गया, उन्होंने देखा एक कुआं में पानी लबालब भरा हुआ है, कुआं में पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा है, धूल उड़ रहा है, जो बीच वाला कुआं था और उसके चारों तरफ भी 10-12 कुआं था, उस सब में पानी लबालब भरा हुआ है। तो नकुल को लगा कि बीच वाले में पानी होना चाहिए, बगल वाले सूखा होना चाहिए, नियम है, क्योंकि बीच वाले ज़्यादा गड्ढा है, पर ये बीच वाला ही सूखा है, तो चारों तरफ के कुआं में पानी है, ये कैसे हो गया। वो भी आश्चर्य करके आ गए। सहदेव उधर गए थे तीर लाने, उन्होंने देखा पहाड़ के चोटी पर एक चट्टान है, पत्थर का टुकड़ा, तो वहाँ से जो बड़ा चट्टान गिरा तो बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए चले आए, जैसे गंगोत्री में 2-4-10 साल पहले हुआ था, वो बर्फ़ का उधर से तूफान आया था तो बहुत लोग मर गए थे, बर्फ़ टूट के गिरता है। तो सहदेव देखा कि एक चट्टान गिरा पहाड़ के चोटी पर से, तो बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए गिरते चला गया, पर आश्चर्य हुआ कि क्या देखा कि वो चट्टान गिरते हुए तो तोड़ते हुए तो नीचे गिर रहा है, पर एक छोटे से पौधे के सहारे रुक गया, अटक गया, बड़े बड़े वृक्ष को तोड़ दिया और छोटे पेड़ के सहारे रुक गया है। तो आश्चर्य है ना कि पूरी हाथी निकल गई या पुछड़ी फंस गई। वो भी आश्चर्य के साथ लौटा। चारों भाई भगवान की तरफ पास भगवान से पूछते हैं, प्रभु हम लोगों ने जो देखा ये सब आश्चर्य देखा, आप बतलाइए हुआ क्या, इसका अर्थ क्या है। भगवान ने भीम से कहा, भीम तुमने जो देखा कि वो चूहा सुंदर भाषा बोलती है पर जीते चूहा कोयल जीते चूहा को खा रही है, तो आने वाले कलयुग का यही स्वरूप होगा कि वक्ता लोग धर्म वेत्ता लोग तत्ववेत्ता ये धर्मोपदेशक जो होंगे, ये पंडित लोग ज्ञान उपदेशक जो होंगे, ये सारे बोलने में तो पारंगत होंगे लेकिन यजमान को जीते जी नोच नोच करके खा जाएंगे, इतना दक्षिणा कस देंगे कि 6 साल क्या 6 महीना क्या 6 साल तक उसको होश नहीं आएगा, वही आने वाले समय में होंगे। सब कुछ लेन देन पर चलेगा, एक बिजनेस व्यापार का मॉडल बन जाएगा ये धर्म प्रचार, और ये हम लोग देख भी रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सब वैसे ही है, बहुत ऐसे हैं जो निष्काम भाव से सत भक्ति प्रचार करते हैं और जो मिलता है उसे स्वीकार करते हैं। तो इसका दो परिभाषा है। पहला परिभाषा ये है कि निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, जो मिलता है उसे स्वीकार करते हैं।
दूसरा है कि सत्संगी को भी विचार करना चाहिए कि जो बाबा है जैसे सत्संग किए हैं तो उस अनुसार से यथा योग उसकी सेवा हो। अब त्याग का ये मतलब थोड़ी है, एक जगह मैं कथा में गया था, अपनी गाड़ी से गया था, मेरे पास गायक टीम था, बार बार वो आग्रह कर रहे थे कि मेरे यहाँ कथा कर दीजिए, पर थे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में उतना कमज़ोर तो नहीं, पर थे। मैं सोचा कि चलो इसके यहाँ कर ही देते हैं, बार बार पूछ रहे थे कितना लीजिएगा कितना लीजिएगा, जबकि हमारा ये मांग है नहीं। मैं बोला चलो आपको जो मन होगा दे दीजिएगा, हम कथा कर देंगे। उसके यहाँ कथा के पूरी मेला लग गई, दुकान दौरी मनिहारा सब पहुँच गया, अच्छे लोग जुटे थे, भोज भंडारा सहित टेंट बंजाल पंडाल धूमधाम से कथा किया, सारा खर्च किया। जब आने लगे हमारे गाड़ी में तेल खर्चा 3000 था, ड्राइवर खर्चा तो छोड़ ही दीजिए, गायक छोड़ ही दीजिए, आते समय 3500 रुपया हाथ में लेके बोला बाबा उधार कर दीजिए। मैं बोला बिना नगद का उधार होता है जी, जब तुम ये भी रख लो हम चल दिए वहाँ से। ऐसा चुना मत लगना चाहिए, परंतु व्यावहारिकता में ये है कि आने वाले कलयुग में हे अर्जुन हे भीम ये बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। और अर्जुन ने कहा मैंने देखा कि वो गौ बछड़ा को जन्म देती है और बछड़ा को मार देती है, प्यार के ऐसा प्यार कौन सा प्यार है कि मार ही दे। भगवान कहते आने वाले कलयुग में ये जो माँ बाप होगा वैसा ही होगा, बच्चे को इतना प्यार देगा कि उसको मार ही देगा, बर्बाद कर देगा, मारना मतलब बर्बाद कर देना। आजकल के माँ बाप सत्संगी होकर के भी बच्चे को अंडा खिलाता क्यों, बोलता डॉक्टर बोला है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्या होता भाई तो उससे मेमोरी पावर बढ़ता है, तो मोबाइल में मेमोरी घुसा घुसा को कान में लेके क्यों जोकड़ के तरह नाचता है जब मेमोरी पावर उसके दिमाग में ही है। तो देखिए अंग्रेजों ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, इसकी पढ़ाई यूरोप की पढ़ाई है, अंग्रेजी दवा अंग्रेजी डॉक्टर अंग्रेजी से इलाज है। तो यूरोप देश जो है वहाँ पर साग सब्जी बहुत कम होता, हरी हरी साग सब्जी ये पालक गाजर मूली केला ये होता ही नहीं है, अब वहाँ का इलाज पद्धति है इसलिए वहाँ कुछ होता नहीं, तो वहाँ लोग जीव जंतु को खा करके विटामिन लेते हैं। पर हमारे देश में तो हजारों तरह के साग सब्जी विटामिन प्रोटीन से भरा भरा दाल है, साग सब्जी है तो यहाँ कोई ज़रूरी है वो मीट मछली को खाना क्या, तो डॉक्टर का बहाना लेकर के खा। तो ये माँ बाप प्यार नहीं करते हैं, बच्चे को बर्बाद ही करते हैं। तो वो माता पिता जो बच्चे को सुमार्ग पर नहीं लाते वो प्यार की जगह पर उसको बर्बाद कर देते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, धर्म भी करेगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा सब कुछ होगा लेकिन व्यवहार वही होगा, सीता राम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम यही होगा, इसलिए इस चीज़ को खाना नहीं चाहिए। संतों ने कहा ये कुकर शुकर का खाना है, इसलिए मनुष्य का खाना नहीं है, और इसको जो खाता है उसको ये सौदा बड़ा महंगा पड़ता है। एक बार की बात, एक पंडित जी एक बकरी का बलि चढ़वा दिया, लोग कहते प्रसाद खा रहे हैं देवी माँ का, और क्या प्रसाद लट्ठू लड्डू मिठाई खत्म हो गया दुकानदार हलवाई की दुकान में क्या, मुड़का को खा रहे हो वो पंडित जी का बहाना, पंडित जी को क्या मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी ने एक पट्ठा का बलि दिलवाया, अब बलि जब फुल हैस जो किया ना जल छिड़क के मंत्र कैसा मारेगा जानते हैं, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतोपि वा स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाय अभ्यंतरो शुचि, ऐसे करके जल मारा। अब फुल हैस जैसे किया तो बकरिया मुड़ी हिलाई, पंडित जी कहते जजमान तखन शुरू कर, अब उधर से तलवार निकाला गर्दन काटने छुरी, उसी समय वो पट्ठा बड़ी जोर से हंसा, पंडित जी कहते क्यों रे तू क्यों हंसा, पठुआ बोला सुनो पंडित एक जन्म में हम भी तुम्हारी तरह पोथी पतरा चरण टीका वाला पंडित थे, हमने ऐसे जजमान को भोला भाला जजमान को आंख में धूल झोंक करके एक पट्ठे का बलि चढ़वाया, तो जमराज ने धर्मराज ने हमको 550 जन्मों के लिए पट्ठा बना के भेजा, तो हमारा गर्दन तो 550 बार कट चुका है, नंबर तो मेरा पूरा हो गया, हम तो मुक्त होके जा रहे हैं,
पर तुम जो इतने जजमान को उल्लू बना करके और इतने दर्जनों भर पट्ठा कटवा रहे हो, तो तुमको कितने हजार बार गर्दन कटेगा पट्ठा बनने के बाद, यही सोच के मुझे हंसी आ गई। अब तो पंडित जी का पोथी पतरा सटक गया डर के मारे। बोला जजमान तखन मुहूर्त निकल गया, अब खत्म करो, पठवा के कन कन कान काट के छोड़ दियो। हेलो, अब मुहूर्त निकल गए, मुहूर्त निकल गया, अपने पर पड़ता है, आगे समझ पड़ेगा भाई। यहाँ आहार उधर भर खाई, बहु विधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खात है, तनिक दर्द नहीं आई, अब पग पग पर जब कांटा चुभिए यह फल आ गया है। अपना बच्चा को कुछ होता है तो क्या बीतता है। अभी कुछ दिन पहले भागलपुर में एक दरोगा साहब के यहाँ सत्संग में गए थे, एसपी ऑफिस में पोस्टिंग है, कितने बड़े बड़े अपराधी अपराध करके आता है दरोगा के पास, अब 50,000 थमा देता तो उसको बरी कर देते हैं। ये सब सजा है, जो दूसरे को कष्ट देगा विश्वास रखियो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए नया साल कौन सा नया साल भाई, तुमने किसी के जीवन को किसी के परिवार को बर्बाद करके नया साल से सुख में रह पाओगे। इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों को सुख देने का अभ्यास करो। इसलिए जो बैंक में पैसा जमा करता है उसी को पैसा मिलता है, इसी तरह जो अच्छे काम करते हैं उसको अच्छाई मिलती है, जो दूसरों को सुख देते हैं उसको सुख मिलता है, जो दुख देते हैं उसको सुख मिलेगा। अरे चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख होए, दुख ही दुख होगा। इसलिए उस कांटों के मार्ग पर, उस अंधकार के काल कोठरी में जाने से रुको, यानी दूसरों को दुख देना छोड़ दो। तो इस तरह से संत महापुरुषों ने कहा, खान पान को संयमित करके अपने परिवार और अपने को सुधारना चाहिए, सुमार्ग पर चलना चाहिए। एक आदमी ने कहा, जब सब वैष्णवी हो जाएगा तब क्या होगा। अच्छा एक बात बोलिए कि सब कोई चोर हो जाता है क्या, सब चोर नहीं होता। जिस तरह सब चोर नहीं हो सकता, सब घुसखोर नहीं हो सकता, सब दुराचारी नहीं हो सकता, उसी तरह सब सत्संगी नहीं हो सकता। तो ऐसे चलता है संसार में, कुछ लोग सुधरते हैं कुछ बिगड़ते हैं, पर संत महापुरुष कहते हैं अच्छे को अच्छा ही मिलती है, इसलिए हमेशा अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए। तो माँ बाप का यही दायित्व तो है कि बच्चे को इतना भी प्यार नहीं दो कि वो बर्बाद हो जाए। खान पान रहन सहन आचार विचार बड़े लोगों का अनुसरण छोटे करते हैं, माँ बाप का मतलब गार्जियन जो होता है घर का। आज देखिए खान पान में कितना बिगड़ा हुआ, सत्संगी लोग चाय तो जरूर पिएगा 3 बार। एगो सत्संगी दीक्षा ली थी, इसके बाद बोली बाबा हमको गैस बहुत बनता है, आशीर्वाद दीजिए। वो बोली कि हम तो एकादशी द्वादशी त्रयोदशी सब कुछ करते हैं फिर भी पेट गड़बड़ी रहता है, गुड़गुड़ी रहती है। मैं बोला अच्छा बोलिए कि एकादशी के दिन आप क्या करते हैं। अरे बाबा सब कुछ छोड़ देते, खाली 5-7 बार चाय पी लेते हैं। सब बीमारी का जड़ तो वही है, एकादशी जो करे तो उसको पेट में कभी गैस्ट्रिक नहीं होगा, उसके पेट लीवर कभी कमज़ोर नहीं होगा। पर एकादशी जान के तो करिए, एकादशी के दिन तो एकादशी भूखे रह जाते हैं, भूख लगता है 0.5 किलो चीनी को घोर के पी लेते हैं। ये शुगर शुगरनी की जो बीमारी है ये चीनी से ही घुसती है। इसलिए संत महापुरुष सोचा होगा कि कम से कम ये सब दिन तो खाता ही है, एक दिन भूखे रहेगा तो इसका पेट ठंडा रहेगा, इसलिए कहते फल खाओ। एकादशी में खाना ही हो तो केवल फल खाइए और कुछ नहीं। पर लोग तो सब कुछ खाते हैं एकादशी नाम का, एकादशी हो भी गया तो पारण जो होता है ना, अरे थारी में जो भर लेगा, 7 दिन जो नहीं खाता उसी टाइम में खा लेता है, दोनों हाथ से टपाटप पारण एकदम फूल फलैट हो जाता खा के, वो कौन एकादशी हुआ। तो भूखे रहना एकादशी है, जल पर रहना एकादशी है, फल को खाना एकादशी है। तो ये खान पान बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग पर कहते खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। इसीलिए चाय तो नहीं पीजिए तो उसमें भलाई है, और नहीं तो सत्संग जीवन भर की कमाई हमारा फ्री में चला जाता है इलाज में। इसके बाद देखिए जब सुबह से ही आप देख लीजिए, सुबह में जगेंगे तो चाय पीते हैं,
और इसके बाद जब मुंह धोने जाएंगे तब कोलगेट अकवैल भकवैल वो कॉल के पास जाएंगे, दो चार बार घुसा दिए दायां बायां कोलगेट एकदम थूक फेंक दिए, हो गया फ्रेश। अरे कोलगेट में हड्डी बन मिलाया जाता है, जानवर के हड्डी से कोलगेट बनता है, वो हड्डी को मुंह में लिए तो मुंह शुद्ध हो गया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं प्राकृतिक उपचार, दांत कभी खराब नहीं होगा जो दांतुन करेगा, दांत मजबूत रहता है। दांत क्या है, जैसे हम लोग गेहूं पिसाते हैं तो जत्ता न पिसता है गेहूं को, इसी तरह हमारे पेट में जो भोजन जाता है तो उसको दांत से चबा के जाता है, और इसलिए दांत जिसका खराब है उसी को पेट खराब होता है, और इसीलिए जिसका दांत खराब है हजारों को हॉस्पिटल क्लिनिक डेंटल डेंटिस्ट लोग बैठे रहते हैं, डेंटल हॉस्पिटल देखिए कितना बना है, सब आला लगा के बैठे रहते किधर से जजमान आए तो उसको उल्लू बना, तो आप दिन रात पसीने की कमाई बेकार के जा रहे हैं, इसलिए दांतों करो बीमारी नहीं होगी, और नहीं तो डॉक्टर की पाला में पड़ेंगे तब पता चलेगा कि ब्रश कोलगेट क्या होता है। एक बार एक सत्संगी गया था डॉक्टर के पास दांत उखड़वाने, हमको बोला बाबा आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बोला जाइए बढ़िया डॉक्टर से, वो तो उधर गया और उधर से पन्नी भर पॉलीथीन भर दवाई लेके आ गया, मुंह लटका हुआ झुका हुआ, मैं बोला क्या हुआ जी, बूढ़ी माता थी तो मैं पूछा की भेला, वो बोलती की कहियो बाबा गलिए दांत उखड़वाबै ले, जे दांत हिलै रहे हिलते छै दोसरे दांत डॉक्टर ने उखाड़ देलकै, अभी मैं टेबलेट कैप्सूल खा रहल छी। एक आदमी का घुटना दर्द था, जो दर्द था वो था ही, दूसरे टांग का घुटना का ऑपरेशन कर दिया, ये सब हाल होगा, इसलिए डॉक्टर के पास दुर्गति हो इससे बढ़िया है कि संभाल जाइए। दांतों करने से दांत ठीक रहता है मजबूत रहता है, पानी पीना चाहिए, बर्तन देखिएगा आजकल का पैसा है सब एलुमिनियम बर्तन में बनाते हैं, उसमें भी बीमारी है। पुराने लोग दान दहेज तिलक में क्या देते थे, फूल का बर्तन पीतल का बर्तन, उसमें बहुत गुण है, मिट्टी के बर्तन में अद्भुत गुण है। तो ये सब अब देखिए एक एक आदमी मोटे हो रहे हैं, खूब कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे तो उसको डॉक्टर बोलते फॉर्चून से खाओ को मोटापा नहीं आएगा, उसमें मोटापा नहीं है, रिफाइन तेल, रिफाइन में कुछ नहीं है कि 12-13 तरह के केमिकल से उसको रिफाइन करके उसमें केमिकल बचा रहता है, बाकी सब कुछ बाहर हो जाता है, यूरोप से आता है तेल, और तेल का ही खेल है, पेट की जितनी बीमारी है 90% बीमारी है गलत तेल के उपयोग से होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते पहले के लोग जानते खेत में उपजाते थे वो सरसों, और फिर उसी से तेल, उसी तेल को कान में दे दो, उसी को नाखून में दे दो, नाखून ठीक कान में दे दो, कान नाक में सुरख लो सर्दी ठीक, देह में मालिश कर लो देह का नसनारी की बीमारी ठीक, उसी को खा लो उसी को नहा लो, सब तरह का उपयोग होता था, कोई हानि नहीं है। इसलिए प्राकृतिक चीज़ जो है हमारे जीवन में हम जितना प्रयोग करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। भागवत कथा हम लोग सुनते हैं, भगवान माखन खाते थे, भगवान वृंदावन में जंगलों में वास करते थे, नदी किनारे पानी पीते थे यमुना जी का, ये क्या है, ये उपदेश है जीवन में, रिटर्न बैक टू योर ओरिजिनल नेचर, यानी प्राकृतिक जीवन जीने से सब तरह का लाभ मिलता है। पहले पानी लोग नदी का पीते थे, इसके बाद तालाब का हो गया, इसके बाद हो गया कुआं का, इसके बाद हो गया कॉल का, इसके बाद हो गया नल का, इसके बाद हो गया बोतल का, अब होगा कैप्सूल का, इसलिए पानी भी शुद्ध होना चाहिए। पर आजकल जानते हैं पानी की जगह पर पेप्सी कोका कोला खूब चलता है, वो भी बड़ा गलत चीज़ है, शरबत पीजिए शहद का पान शहद पानी, लेकिन कभी पेप्सी कोका कोला नहीं पीना चाहिए। ये जो फिनाइल होता है शौचालय जिससे साफ करते हैं वो फिनाइल उसमें मिलाया जाता है, कितना जहरीला है, इस पर आंदोलन भी चला था। तो खान पान को प्रथम समारोह तब रस रस अवगुण समारोह, अब कितना बोले ये सब तो विशेष बोलने की बात एक दिन में नहीं है। तो भगवान कहते अर्जुन ये माता पिता अपने बाल बच्चे को ऐसा कुसंस्कार भर देगा कि प्यार के बदले में वो बर्बाद कर देता है। और फिर सहदेव कहते प्रभु हमने देखा एक चट्टान के ऊपर से पहाड़ के ऊपर से चट्टान गिरा तो सबको तोड़ दिया, छोटे पौधे सारे कैसे रुक गया। भगवान कहते देखो
ये जो चोटी पर बैठा हुआ चट्टान था, चोटी पर का चट्टान, ये मनुष्य ही है। मनुष्य शरीर ही सबसे शिखर पर बैठा हुआ है। मनुष्य से बड़ा कोई है? शेर जंगल का राजा है, लेकिन मनुष्य उसको पिंजरा में करके रखता। हाथी कितना बड़ा, 3.5 हाथ का आदमी उसको अपने बस में रखता, जबकि हजारों आदमी को पूरा मसल दे वो हाथी, लेकिन एक आदमी उसको बस में। तो आदमी तो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है। चिड़िया उड़ती थी, इन्होंने हेलीकॉप्टर बना लिया, सब कुछ तक इसका पहुंचे, चंद्रमा तक चले गए। तो आदमी सबसे ऊंचा शिखर पर बैठा है, परंतु जब इसका पतन होना चालू होता है तो फिर होते चला जाता, कोई रोक नहीं पाता। आप देखिए, गलत आदमी जो आज सिनकट्टा चोर था, वो बड़का क्रिमिनल डकैत हो जाता है। क्यों? क्योंकि गलत मार्ग पर जाएगा तो उधर ही बढ़ेगा। आज आप छोटा सत्संगी है तो कल बड़का सत्संगी हो जाते हैं। आज थोड़ी देर ध्यान करते तो दिनों दिन आप ज़्यादा ध्यान करते हैं। तो धार्मिक लोग जैसे धर्म इस मार्ग में विकास करते हैं, तो वो लोग भी उस मार्ग में विकास करते हैं। आज जो छोटा वार्ड सदस्य है, कल वो MP MLA बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। तो इसी तरह से गलत मार्ग पर जो चल पड़ा, जो गिर पड़ा है, उसको कोई रोक नहीं पाता, वो जाते चला जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े की बात छोड़िए, स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाते, चाह करके भी नहीं रोक पाते। आपको अटपटा सा लगता होगा, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा था क्या? दुर्योधन को समझाने के लिए तो भगवान स्वयं चले गए हस्तिनापुर, शांति दूत बन के गए। दूत का कोई इज्जत नहीं होता, पर भगवान ने उसकी परवाह नहीं की, समझाने के चक्कर में वहाँ पहुँच गए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, हो बाधा तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला था, जो असाध साधने चला। भगवान को ही बांधने का षड्यंत्र रचा, पर नहीं सुधर पाया। तब प्रभु ने विस्तार किया रूप अपना, अहंकार किया रूप अपना, विस्तार किया, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने विराट रूप में आए, सब के आँख अंधे हो गए, पर दुर्योधन नहीं समझा था। भगवान तो कहते 5 गांव दे दो, कहाँ समझा, उल्टे उसी को सजा देने लगा। भगवान कहते लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, आखिर तुम धराशायी होगा, अहिंसा का परदाई होगा। मर गया दुर्योधन, लेकिन सुधर नहीं गया। तो भगवान क्या बड़े बड़े, भगवान भी चाह के नहीं सुधर पाए। रावण के पास भेजा था हनुमान जी को, रावण ठठा के हंसा कि ब्रह्मा जी को कोई और नहीं मिला, ये बंदर को भेजा मेरे पास गुरु बनने के लिए, मखौल उड़ा के रह गया, बस नहीं समझा। तो आदमी जो गलत मार्ग पर चल गया है, उसे कोई समझा नहीं सकता, मुश्किल है। हम लोग भी कोशिश करते किसी को वैष्णव बना दे, बना नहीं पाते, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो देखते हैं कि एक बात पर भी वो वैष्णव बन जाते हैं, दीक्षित भी हो जाते हैं। नो वन कैन चेंज यू अनलेस यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। कोई बदल नहीं सकता जब तक कोई बदलना नहीं चाहे। तो बड़ा मुश्किल है सुधार करना लोगों का, परंतु भगवान कहते हैं सहदेव, जैसे वो चट्टान किसी के रुके नहीं रुका, पर छोटा सा पौधा ने उसे रोक लिया, इसी तरह इस भटके भूले भटके नरक गर्क में की तरफ बढ़ते हुए जीव को जब ईश्वर की कृपा होती है, और इस तरह से सत्संग समागम होता है, गुरु की कृपा होती है, तो जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, ऐसे संग मिलते हैं, तो गुरु कृपा से नरक की ओर गिरते हुए जीव रुक जाता है, सत्संग के प्रभाव से नरक में जाने से बच जाता है, और सत्संग के सहारे गुरु की कृपा से वो भक्ति मार्ग पर चलते चलते अपना कल्याण कर लेता है। श्री सद्गुरु।